एंड वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में रिव्यू दूंगी ये वेगा की आई कलर की, विच इज फ्रॉम अनन्या पांडे रेंज, और मैं अपने हेयर्स को भी कर्ल्स करके दिखाऊंगी इसी वीडियो में इस कलर से कि आप कैसे स्टाइल कर सकते हो अपने हेयर्स को। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, और अगर न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो देखने के बाद ही कर देना अगर अच्छी लगी तो। ये रही ये प्रोडक्ट, इसकी लुक ऐसी है, आपको बहुत लंबा सा कॉर्ड भी मिल जाता है। इस पे आपको सिरेमिक कोटेड बैरियर मिल जाती है विच मिनिमाइज द हीट डैमेज एंड ऑल्सो मेक योर हेयर स्मूथ। इसे ऑन एंड यूज करना काफी ईजी है, इसमें बस ऑन एंड ऑफ है, आपको टेम्परेचर सेट करने की कोई जरूरत नहीं। एज अ बिगिनर आपको समझ नहीं आता है टेम्परेचर, इसको बाय कर सकते हो क्योंकि इसमें टेम्परेचर सेट करने की झंझट ही नहीं है। इसकी कॉर्ड 360 डिग्री मूव करती है तो आप आराम से अपने हेयर को स्टाइलिंग कर सकते हो मूव करते हुए, या फिर अपने क्लाइंट को भी आराम से हेयर स्टाइलिंग दे सकते हो, किसी और की भी आप कर रहे हो तो। यू विल गेट अ सलॉन लाइक हेयर कर्लिंग एट होम। इसकी टेपर 0.5 इंचेस टू 1 इंचेस है, ऊपर से बड़े एंड नीचे से छोटे कर्ल्स बड़े सुंदर लगते हैं। अगर आपको थोड़े मोटे चाहिए तो आप बस यहीं पे अपने हेयर्स को रैप अराउंड कर सकते हो, अगर छोटे से चाहिए तो आप बस यहीं पे रैप अराउंड कर सकते हो। आपके हेयर्स छोटे एंड थिन है तो आप आराम से इन दोनों का बेनिफिट ले सकते हो। लुक वाइज भी काफी अच्छी है, आपको यहाँ पे होल्डिंग के लिए भी मिल जाती है जिससे आप अपने हेयर जब कर्ल कर रहे हो तो पकड़ सकते हो और आपकी हाथ भी नहीं चलेगी। चलिए हेयर कर्लिंग स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हीट प्रोटेक्टर जरूर लगाएं which minimize the damage of your hair. Before applying any heat protector or any product, just activate your products. एक्टिवेट करने से आपको इफेक्ट जल्दी मिलती है, एंड कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के पहले आपको एक्टिवेट करना, प्रोडक्ट को एक्टिवेट करना, वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आप बॉटल वाले प्रोडक्ट्स हैं तो आप सेक कर सकते हो, या फिर कोई अपना बॉटल से निकाल करके यूज करनी पड़ती है तो आप हाथों पे वार्म अप कर सकते हो प्रोडक्ट। आप एक कोई क्लचर ले सकते हो, उसके बाद अपने हेयर को रैप कर लेना क्लचर में और जितने छोटे छोटे सेक्शंस निकाल करके आप कर्ल करना। तो मैं यहाँ पे अपने अपर हेयर्स को रैप कर लूंगी, अपने क्लचर में सिक्योर कर लूंगी। मैंने बस ये वाली पोर्शन लेना है। कर्ल्स करने के पहले आप अपने हेयर्स को कॉम जरूर करें सेक्शन वाइज सेक्शन, अगर वो उलझे होंगे तो सुलझ जाएंगे एंड अच्छे फाइन कर्ल्स निकल के आएंगे। इसकी कॉर्ड काफी लंबी है, मैंने उधर लगाया हुआ है। अब चलिए ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जब तक हीट नहीं होती तब तक आप स्टे करो, एंड आपको जैसे कर्ल्स चाहिए, आपके मोटे कर्ल्स चाहिए तो आप ज्यादा सेक्शन ले सकते हो, पतले वाले चाहिए तो कम स्मॉल सेक्शन ले सकते हो। अपने हेयर्स को कर्ल्स के पे रैप अराउंड करो धीरे धीरे। इसे होल्ड करो 5 to 10 सेकेंड, अगर आपको बहुत ज्यादा टाइट कर्ल्स चाहिए तो आप ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन 10 to 15 सेकेंड। वाओ कितने सुंदर आए हैं कर्ल्स। कानों को बचा करके आप देखना, क्योंकि यहाँ पे पीछे करने टाइम ना आपके कान में टच होने के चांसेस होते हैं, तो Keep in mind about that. देखो इसे मैंने ज्यादा टाइम होल्ड करके रखी हूँ एंड मैंने बहुत ही छोटे सेक्शंस लिए हैं तो ये ज्यादा फाइन कर्ल्स आए हैं, और ये थोड़ी सी वेवी टाइप से आई है। मैंने ज्यादा होल्ड करा है तो बहुत ही यहाँ पे कर्ली से हेयर्स आए हैं। जितने ज्यादा आप होल्ड करोगे उतने टाइट कर्ल्स बनेंगे, काफी सुंदर आ रहे हैं। आपको स्टैंड करने के लिए भी दिया हुआ है तो आप नीचे रख सकते हो आराम से बैठ, या फिर कहीं भी अभी आप यूज कर रहे हो तो बिना सरफेस को टच किए हुए आप इस कलर को नीचे रख सकते हो, स्टैंड है। साइड की ऑलमोस्ट डन हो गई है, और देखो कितने कम टाइम पे हो गए, बहुत ही कम टाइम इसने लिया। कितना सही लग रहा है ना ये कर्ल्स। चलिए अब इस साइड करते हैं। लास्ट सेक्शन आई एम डूइंग, एंड कितनी जल्दी हो गई ये कर्ल्स, बहुत ही फटेफट से हो गए, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने हेयर्स को पूरे कर्ल्स करने के लिए। और मेरे हेयर्स तो थोड़े लंबे हैं फिर भी इतनी जल्दी हो गया, अगर आपके छोटे हैं तो बहुत ही फटाफट से हो जाएगा, आपका कोई भी शादी पार्टी में आराम से कर पाओगे आप हेयर कर्ल्स। एंड डन।
ये लुक कैसी लग रही है ये मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और ये मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट 10/10 है। आपको प्रोडक्ट लिंक चाहिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक टैग कर दी है एंड ऑल्सो हीटिंग स्प्रे भी मैंने टैग कर दी है। अगर आपके पास आपको नहीं चाहिए हेयर कलर या फिर आपको आपके पास स्ट्रेटनर है एंड आपको उसी से अपने हेयर्स को कर्ल्स करने हैं तो आप ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दी है, उससे मैंने अपने हेयर को स्ट्रेटनर से ही कर्ल्स किया है। तो डू चेक आउट दैट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।